नमस्कार दोस्तों, वर्ग एक और वर्ग दो के सभी भविष्य के शिक्षकगणों का एक बार पुनः स्वागत है रामसर यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। प्यारे मित्रों, लोक शिक्षक संचालय शिक्षा विभाग से एक महत्वपूर्ण आदेश जो है वर्ग एक और वर्ग दो के सभी प्यारे मित्रों के लिए जारी किया गया है। आदेश में दिशा निर्देश के बारे में जारी किया गया है कि कौन कौन से अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली मना किया गया है, या फिर यहाँ पर साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि ये यदि योग्यता नहीं है तो आप बाहर हो सकते हैं। और दोबारा से ये आदेश उल्लिखित किया गया है, तो ये ज़रूरी है आदेश देखना आप सभी को। तो मैं आप को आदेश पूरा दिखाऊंगा और उसमें मैं जो भी बिंदु महत्वपूर्ण बताए हुए हैं कि कौन कौन से बिंदुओं पर विशेष चर्चा करके बताया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के समय ये अभ्यर्थी जो हैं बाहर किए जा सकते हैं वर्ग एक और वर्ग दो के लिए। तो देखते हैं पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और वर्ग तीन का यदि आपने फॉर्म भरा है प्यारे मित्रों, तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है और आप यहां से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं वर्ग एक और वर्ग दो की तरह। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट यहाँ से परचेज़ करते हैं या FLT परचेज़ करते हैं या वीडियो कोर्स परचेज़ करते हैं, तो ये कूपन कोड याद कर लीजिए, बिल्कुल सरल है, RAMSARJEE25 है ना। इसके माध्यम से आपको 25% का ऑफ मिलेगा। जब भी आप कोई भी कोर्स यहाँ से परचेज़ करते हैं तो इसको लिख भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। तो दोस्तों, ये आदेश है जो जारी किया गया है भोपाल से 11 फरवरी, देख सकते हैं 2020, लोक शिक्षक संचालय। नीचे दिखा दूं मैं आप सभी को लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसी क्रियावत हैं हमारी लोकायुक्त हैं यहाँ के, आपको जो है साइन मिलेंगे। और ये जो है विषय क्या रखा गया है, हम विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक अर्थात वर्ग एक माध्यमिक शिक्षक के वर्ग दो के अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पूर्व दस्तावेजों के सत्यापन के संदर्भ में, तो यहाँ देखेंगे लोक शिक्षक संचालय मध्य प्रदेश के परिपत्र क्रमांक जो दिया हुआ है, संदर्भित पत्र द्वारा अभिलेख सत्यापन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं। यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जा रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी मित्रगण जो थे मेरे दोस्त थे, तो कमेंट बहुत ज़्यादा आ रही थी जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था, जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट हो रहे थे, जिसमें करीबन 12 पॉइंट जो बिंदु दिए गए थे कि ये निर्देश रहेंगे लोक शिक्षक संचालक के काउंसलिंग के लिए, उसमें आपको हर बिंदु पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बिंदु पर दिक्कत थी या परेशानी हो रही थी। इसलिए लोक शिक्षक संचालय ने ये पुनः से आदेश जारी किया है। पहला है आरक्षित और अनारक्षित, फिर वर्ग बार वंचित दस्तावेज किए जिन्हें सत्यापन हेतु अपलोड किया जाना है का विवरण संबंधित परिपत्र दिनांक में, थोड़ा जूम कर देता हूँ, अब देखिएगा जूम करके दिखेगा आपको, संबंधित परिपत्र दिनांक 14 जनवरी 2020 के संलग्न परिशिष्ट एक को संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित वर्ग के प्रत्येक अभ्यर्थी को वंचित तथा वर्णित प्रत्येक दस्तावेज अपलोड किया जाना अनिवार्य है, भले ही इससे पूर्व में PEB द्वारा आयोजित शिक्षण पात्रता परीक्षा में प्रस्तुत किया गया हो। किसी भी दस्तावेज की अनुपलब्धता की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता पर विवरण संभव नहीं हो सकेगा। ध्यान दीजिएगा, विचारण लिखा हुआ, विवरण नहीं, विचारण संभव नहीं हो सकेगा। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ है कि जो अभ्यर्थी आरक्षित हैं आरक्षण का लाभ ले रहे हैं OBC ST SC वाले, जो अनारक्षित हैं इसमें हमारे OEWS वाले भी आ जाएंगे, अनारक्षित मतलब बाहरी स्टेट के अभ्यर्थी, जो आपने आदेश 14 जनवरी को भी आया था, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब आपने PEB के समय जो डॉक्यूमेंट्स आप आयोजित किए थे, उस समय आपने जो दस्तावेज वहाँ पर चिन्हित किए थे और बताए हुए थे कि ये दस्तावेज मैं रखता हूँ, योग्यता रखने के साथ मैं ये डॉक्यूमेंट्स संलग्न करता हूँ, तो वो सभी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध होना जरूरी है ना। और अभ्यर्थी के पास यदि अभ्यर्थिता पर जो है डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है आपके, या जो दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या है वहाँ विचारण के लिए संभव नहीं रहेगा। मतलब आप विचारण के लिए वहाँ पर नहीं कह सकते कि इस पर विचार किया जाए, आपको बाहर साफ साफ बाहर कर दिया जाएगा। शासन के आदेश के अनुसार दिनांक 30 दिसंबर 2019 तक की गई शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता उत्तीर्ण कर अंक सूची की मान्य होगी, अर्थात अभ्यर्थियों को वंचित योग्यता उक्त दिनांक तक ही प्राप्त करना अनिवार्य है। तो काफ़ी मित्रगण कमेंट कर रहे थे मुझसे कि सर 2019 है कि 2020 है ना। तो जब आपने 2018 में फॉर्म भरा था तो आपको याद होगा कि उस समय PEB ने आदेश दिया था या PEB के दिशा निर्देशों में लिखा था कि जो रनिंग वाले अभ्यर्थी हैं, जैसे BEd रनिंग कर रहे हैं, ग्रेजुएशन रनिंग में चल रहा है, कुछ भी रनिंग में चल रहा था, तो उस समय रनिंग में चल रहा था, फॉर्म भरा आपने, अच्छी रैंक के लिए सारी चीज़ें अपडेटेड हैं, लेकिन
2019 तक आपकी डिग्री नहीं कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, 2020 की आपकी जनवरी में आपके पास में आपकी मार्कशीट आ गई है। यदि आपकी 2020 में जनवरी में भी आपके पास मार्कशीट आती है तो वो मान्य नहीं रखेगी। साफ साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि 30 दिसंबर 2019 तक आपके पास में मार्कशीट होना ज़रूरी है। जो भी शैक्षणिक योग्यता है, व्यावसायिक योग्यता है, बीएड डीएड जो भी आपने किया है होना ज़रूरी है, नहीं तो आप साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि बाहर कर दिए जाएंगे। संदर्भित परिपत्र दिनांक 27 जनवरी की खंडिका क्रमांक 5 में प्रसारित अनुदेश के संदर्भ में पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि किसी भी स्तर पर पीईबी द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए ऐसे किसी भी प्रवरण में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा जिसमें पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन संभावित हो। पीईबी द्वारा अभ्यर्थियों को तत्समय इस प्रकार की त्रुटि सुधार का अवसर दिया जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि आप एसटी कैटेगरी के हैं, ध्यान रखिएगा, और आपने जब फॉर्म भरा था तो गलती से ओबीसी हो गया था। यदि आप ओबीसी के हैं, गलती से आपने जनरल कर दिया या सामान्य वर्ग कर दिया, तो उस त्रुटि में आपका कोई भी सुधार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, क्योंकि उससे जो आपकी वरीयता रहेगी, आपकी रैंकिंग रहेगी, उसमें परिवर्तन आ सकता है। इसलिए इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई भी परिवर्तन संभावित नहीं है। आपको उस समय समय दिया गया था जब आपने फॉर्म भरा था, तो फॉर्म के लिए अभी जैसे 9 जनवरी जो था, 9 फरवरी था वर्ग 3 के फॉर्म की सुधार करवाने के लिए, तो यही आदेश समय लिखा हुआ है कि उस समय आपको समय दिया जा चुका है, अब समय नहीं मिलेगा। अर्थात आपने जो फॉर्म भरते समय जो अपडेट जानकारी दी है, यदि वो आपके पास मिलती नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन होता है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब ये 3 बिंदुओं को उन्होंने दोबारा मित्रों आप सभी के लिए यहाँ पर स्पेशली भेजा गया है, और 3 बिंदु जो थे सबसे ज़्यादा यहाँ पर विवरणात्मक में आपको परेशान कर रहे थे। अब इसमें यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर कोई सा भी डाउट है इसी में, किसी भी प्रकार का 3 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, है ना। और बाकी सारी चीज़ें आपको अपडेटेड हैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। सारी चीज़ें मैं आप लोग बता चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, काफ़ी मित्रगण कमेंट कर रहे थे कि सर जनजातीय विभाग क्या काउंसलिंग साथ में लेगा और नहीं लेगा, तो क्या रीज़न है। तो दोस्तों काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं बता आपको, मैंने संपर्क किया है पीए शिक्षा विभाग में, तो जानकारी यही मिली है कि आने वाले कुछ ही दिनों में, मतलब 20 फरवरी से पहले पहले तक जनजाति विभाग का पोस्टों का विवरण आ जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद आज बात की है शिक्षा विभाग में, जानकारी ली हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ट्राइबल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, ऐसा कहा हुआ है, लिखा नहीं हुआ है, कहा हुआ है, सॉरी, उन्होंने कहा है कि ये जो दिशा निर्देश रहेंगे, ये आपको आदेश जैसे ही आएगा जनजाति विभाग का, उसमें साफ साफ लिखा रहेगा। तो मेरी ऐसी बात हुई है, हालांकि जो भी दिशा निर्देश होंगे, जो भी जानकारी होगी, वो आने वाले कुछ ही दिनों में 20 फरवरी से, मेरी उम्मीद है कि 20 फरवरी से पहले पहले तक जनजाति विभाग का रोस्टर जो है जारी कर दिया जाएगा, उसमें पदों का विवरण बता दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसमें यदि आपको डाउट हो रहा है, किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है, तो कमेंट जरूर करें, मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने की। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।